हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जंगल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको जंगल के उस रहस्यमय दुनिया में लेकर आया हूँ, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को आप देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जंगल एजुकेशन की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको हनुमान लंगूर के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले हम जानेंगे बंदरों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में। तो उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। विश्व में बंदरों की कुल 264 प्रजातियों को खोजा जा चुका है तथा मैकेक व लंगूर प्रजाति के बंदर भारत में पाए जाते हैं। बंदर नकल करने में माहिर होते हैं। बंदरों में पाई जाने वाली प्रजाति चिंपैंजी बंदरों में सबसे समझदार होती है। कहा जाता है कि बंदर एकमात्र ऐसा जानवर है जिससे इंसानों का डीएनए 98% तक मेल खा जाता है। बंदरों की प्रजातियों में शाकाहारी से लेकर सर्वाहारी श्रेणी के बंदर आते हैं, जिसमें कुछ बंदर सिर्फ कंदमूल व फल खाते हैं तो कुछ इसके अलावा कुछ प्रजाति के बंदर ऐसे भी होते हैं जो कंदमूल फल आदि के अलावा कीड़े मकोड़े और मांस खाना पसंद करते हैं। तो ये उनका मुख्य भोजन होता है। तो इंसानों की तरह बंदरों के भी फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं, क्या आप इस बारे में जानते थे? क्योंकि बंदरों की अंगुलियां भी इंसानों की तरह होती है। मादा एक बार में एक बच्चा देती है जो कुछ समय माँ के पेट से चिपका रहता है। दोस्तों, लंगूर एशियाई बंदरों की विभिन्न जातियों का सामान्य नाम है। यह प्राइमेट गण के सर्कोपिथेसिडी कुल का प्रसिद्ध प्राणी है, जो कहीं कहीं हनुमान बंदर के नाम से भी जाना जाता है। यह कद में बंदरी से लगभग 2 फुट लंबा होता है, बड़ा होता है, लेकिन इसकी दुम इसके शरीर से लंबी होती है। इसके शरीर का रंग स्लेटी तथा अचाल भूरा होता है। अचाल भूरा का मतलब है जो ऊपर की ओर गाढ़ा और नीचे की ओर हल्का रहता है। चेहरे, कान, तलवे और पैर, हाथ का बाहरी हिस्सा काला रहता है। हनुमान लंगूर आबादियों की अपेक्षा जंगलों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं बस्तियों में भी इनके झुंड दिखाई दे जाते हैं। आपने और भी जगह देखा होगा बंदरों के झुंड को। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल का नाम है जंगल एजुकेशन। तो इसी तरीके की हम रोचक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।